हेलो, कहाँ पर है? घर पर हूँ यार। कब तक चले गए सर पिता? राहुल से ब्रेकअप हुए तेरे 3 महीने हो गए यार, और तूने अपने आप को एक घर में आइसोलेट करके रखा हुआ है। घर से बाहर तो निकल यार कम से कम। तो पहली लड़की नहीं है यार जिसका ब्रेकअप हुआ है? नहीं हो रहा है मुझसे यार, मैंने बहुत कोशिश की है। फाइन, मैंने तेरे लिए कुछ डिसाइड किया है एंड कल सुबह वो तेरे घर पहुंच जाएगा। क्या अर्पिता, तू मुझ पर ट्रस्ट करती है ना? पर क्या भिजवा रही है ये तो बता। ट्रस्ट मी एंड वेट कर। ठीक है, गुड। हाय, आई एम कुणाल। कुणाल कौन? मुझे टीना जी ने भेजा है। ओह, पार्सल के लिए? जी हाँ, मैं ही आपका पार्सल हूँ। मतलब टीना जी ने मुझे आपके लिए भेजा है। मतलब टीना जी मुझे आपको योगा सिखाने के लिए भेजा है। अरे मैं हूँ कुणाल, योगा इंस्ट्रक्टर, और टीना जी ने भेजा है ताकि मैं आपको योगा सिखा सकूँ। आज से मैं आपको रोज योगा सिखाऊंगा अगले 15 दिन तक। मतलब अभी से कहाँ? यहीं पे कर लेंगे, इतनी सारी तो जगह। हाँ, यहाँ कर लेते हैं। आप जाके योगा मैट ले आइए, जल्दी जल्दी योगा मैट। मैं अंदर आऊँ, आ ही जाता हूँ। सेम योगा मैट, लगता है आपको भी योगा का शौक है। पहले कभी करती थी। कोई बात नहीं, फिर करने लग जाएंगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे मुश्किल आसन से, उसके बिना योगा हो ही नहीं सकता। स्माइल आसन, थोड़ा सा स्माइल करेंगे। बहुत इजी है, 1 2 3 ई। कोई बात नहीं, हो जाएगा कुछ दिनों में। मुझे नहीं लगता कि कुछ इम्प्रूव होगा। होगा, जरूर होगा। ओम का उच्चारण करेंगे, ठीक है? हथेलियों को ऐसे आकाश की ओर, आंखें बंद, एक गहरी लंबी सांस, और धीरे धीरे जाने दें। अब ओम का उच्चारण करते हुए ओ बस आज के लिए इतना ही करते हैं। कुछ आसान आसन कर लेते हैं, ठीक है? लेट जाइए, सीधा कर लीजिए, बॉडी को लूज छोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे लेफ्ट लेग ऊपर करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या कर रहे हो आप ये? कोई बात नहीं, शुरू शुरू में पेन होता है, आदत पड़ जाएगी। चलिए काम करते हैं, कुछ इजी योगासन कर लेते हैं। आइए खड़े हो।
कैसा रहा आज का सेशन? ठीक ठाक ही था। देखिए, लाइफ में किसी भी इम्प्रूवमेंट को लाने के लिए ना सबसे ज़रूरी होता है ट्रस्ट। अब वो ट्रस्ट किसी और पे नहीं, सबसे पहले खुद पे करना होता है। तो अगर आप खुद पे ट्रस्ट रखेंगी तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी। मैं ट्राई करूँगी। कल मिलते हैं। थैंक यू। Feeling free. Free? Are you sure? क्योंकि मुझे लग रहा है अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो आपको बॉदर कर रहा है। Maybe हो सकता है, पर ठीक है सब। क्योंकि जब आप आसन करती हैं तो आप कहीं खो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल ही है। आपकी बॉडी तो नॉर्मल हो गई है, रिलैक्स्ड हो गई है, पर आपका माइंड और हार्ट उसमें अभी भी कुछ चल रहा है। क्या आप ट्रस्ट नहीं करती? करती हूँ। मुझ पे नहीं, खुद पे। हाँ है। ठीक, अगर आप खुद पे ट्रस्ट करती है तो कल के सेशन में हम इन सारी चीज़ों से फ्री हो जाएंगे। हाँ टीना, बोल। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू ये बता क्लासेस कैसी चल रही हैं? मेरी क्लासेस हाँ पहले से अच्छी हैं काफ़ी। वैसे मेरी सिक्स सेंस ने मुझे ये भी बताया है कि तूने अभी तक अपने आप को घर पर आइसोलेट करके रखा हुआ है। हाँ यार, कब तक यार अर्पिता? तुझे समझाया था ना मैंने, यू नीड टू मूव ऑन, जस्ट घर से बाहर निकल यार। हाँ मैं देखती हूँ। अच्छा सुन, सुबह मेरी क्लास है जल्दी, तो मैं अब रखती हूँ, मुझे सोना है। हाँ क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड, इतनी पंचुअलिटी। चल बाय। तो पहले से ही रेडी, कम लेट्स वॉक। कल आपने खुद कहा था ना कोई चीज़ है जो भी आपको बॉदर कर रही है। हाँ तो ठीक है, आज हम जो सेशन करने वाले हैं उसके बाद आप इन सारी बॉदरेशन से फ्री हो जाओगे। बहुत चैलेंजिंग होगा। ओके, 100% देगी? हाँ चलो डन। मैं जिस प्रोसेस की बात कर रहा था उसका नाम है शेयरिंग प्रोसेस, आपको सबको शेयर करना होगा। हाँ मैं करूँगी। इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपको वो चीज़ें शेयर नहीं करनी जो हम सबके साथ शेयर करते हैं, आपको वो चीज़ें शेयर करनी है जो हम खुद के साथ भी शेयर नहीं करते। टीना सब कुछ जानती है, लेकिन कुछ है ऐसा जो अभी भी मेरे अंदर फंसा हुआ है। राहुल था उसका नाम। एक साल से हम दोनों रिलेशनशिप में थे, हम दोनों ने जिंदगी भर साथ रहने की कमिटमेंट की थी। वो एक पल में मुझे छोड़ के चला गया,
झूठी कमिटमेंट, झूठा प्यार, सब झूठा। कैसे एक्सेप्ट करूं मैं ये सब चीजें? दिन पे दिन बीतते जाते हैं लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं बदलता है। हम लोगों ने जो पल साथ में बिताया वो सब बातें मुझे हॉन्ट करती है। बट हाँ, आपकी योगा क्लासेस ने मुझे बहुत हेल्प करी है। मुझे लगता है कि मैं काफी हद तक एक बेहतर इंसान बन चुकी हूँ। मैं महसूस कर पा रही हूँ खुद को, अब खुल के सांस लेती हूँ। और सच बोलूँ तो आपको ये सब बातें बताते बताते मुझे बहुत फ्री महसूस हो रहा है। बट ये प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है। नाउ इट्स योर टर्न। मैं क्यों बताऊँ? अरे भाई, ये प्रोसेस मेरा है, मैं टीचर हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। कम ऑन, तुम्हारी भी तो कोई कहानी होगी। और जितने दिन मैंने तुम्हारे साथ सेशंस लिए, मैंने भी कहीं ना कहीं देखा है कि तुम भी कहीं ना कहीं खो जाते थे। खोया तो मैंने भी है किसी को, पर मैं किसको कंप्लेंट करूं? उस एक्सीडेंट में गलती भी तो मेरी थी। नैना था उसका नाम। उस दिन उसका बर्थडे था और मैंने एक परफेक्ट लॉन्ग ड्राइव प्लान करी थी। और ड्राइव करते हुए मैं उसका केक कटवा रहा था और सामने से एक ट्रक आ गया। इससे पहले ही कुछ समझ में आता, मैं तो वापस आ गया, पर उस ड्राइव से वो कभी वापस नहीं आया। मैं जानता हूँ गलती मेरी थी। मैं भी काफ़ी साल उस दुख के साथ रहा। कैसे मैं अपने आप को माफ़ कर लूँ जिस तरीके से तुम योगा के थ्रू नॉर्मल हुई हो? मैंने भी योगा के थ्रू अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करी, एक अपनी ज़िंदगी को एक नया एम दिया और उन लोगों के लिए जीना शुरू करा जो अभी भी मेरी ज़िंदगी में है। बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। हेलो, थैंक यू सो मच। ओके ओके बाय। चले कहाँ? वापस दुनिया में कॉफी पे।